आज का यह जो सेशन है वो सेशन लेने का उद्देश्य है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि भाई उनके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, है ना, कि भाई मुझे ये सवाल है, मुझे वो सवाल है, बीमारी के बारे में सवाल है, फिर उनको अपने धंधे पानी के बारे में सवाल रहता है, बिजनेस के बारे में सवाल रहता है, फिर घर में पति पत्नी में पट्टी नहीं है तो उसमें कुछ सवाल रहते हैं, या बच्चे मानते नहीं हैं उसमें कुछ सवाल लोगों का है, या बीमारी के बारे में कुछ सवाल है तो दवाई कितने दिन लेना, क्या करना चाहिए आगे चल के, तो उसके बारे में कुछ सवाल जवाब करना और आपका काउंसिलिंग करना, उसके लिए आज का सेशन है, बराबर है। तो आप पूछ सकते हैं, आपको कुछ सवाल होंगे तो क्या क्या चर्चा करेंगे हम आज। हाँ जी बोलिए सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बार बार एक ही विचार मेरे को बार बार आता है, और जब भी मैं सोशल जगह पे जाता हूँ, सोशल प्लेस पे, मतलब मैं जैसे यहाँ भी बैठा हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, तो सर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? अच्छा। ये मेरा सवाल है सर। तो आपका कहना ऐसा है कि बार बार आपको एक ही विचार आता है, और वो निगेटिव रहता है यूजुअली, फिर उसके बारे में क्या करना चाहिए? क्या होता है कि बार बार विचार आना, ये एक ऑब्सेशन तलब, उसको बोलते हैं मंत्र चाड़ेपणा। बार बार रिपीटेडली मंत्र जैसा विचार आते रहता है, रिपीटेडली वही विचार आएगा, निगेटिव विचार आएगा, है ना, और निगेटिव विचार आके फिर अपने को सताता है, वो काम करने देंगे नहीं वो विचार। सर एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, उससे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी पूरी लाइफ स्टाइल बिगड़ गई है। उससे लाइफ स्टाइल बिगड़ जाती है और काम नहीं कर सकते। तो इसमें होता क्या है कि एक तो बार बार जो विचार आता है तो उसके लिए हमको कुछ दवाई है, वो दवाई आपको लेना है, वो दवाई ले लो। और दवाई के साथ साथ हमको ये दिमाग में लाना है कि बार बार विचार आना ये एक तरह की बीमारी है। बार बार वही विचार आना एक तरह की बीमारी है। और फिर हमको वो ट्रेनिंग लेना है, एक प्रकार का ट्रेनिंग वो लेना पड़ेगा, कि वो ट्रेनिंग में हमको विचार आए तो उसको उसके तरफ ख्याल देने का नहीं, उसको कोई सिग्निफिकेंस लेने का नहीं, कि सिग्निफिकेंस नहीं करना है, कि भाई उसको ज़्यादा महत्व देने का नहीं है। विचार आ रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी है, हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन जो है, वो ऑटोमेटिक थॉट तैयार करते रहता है, ऑटोमेटिक, अपना कोई कंट्रोल रहता नहीं उसके ऊपर, ऑटोमेटिक है वो विचार आप नहीं तैयार करते, वो विचार आते रहता है। तो उसको क्या करना है? उसको कुछ नहीं करने का है, उसको उसके तरफ ख्याल देने का नहीं है। अपने को जो करना है आगे चल के, हमारे लाइफ में हमने पक्का किया है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जो ठहरा हुआ है, जो आपने शब्द दिया है, तो वो करो। दिमाग में निगेटिव विचार बार बार आते रहेंगे, उसके तरफ ख्याल देने का नहीं है। वो आपको बोलेगा ये मत कर, वो मत कर, ये संभव है, वो संभव है, अभी आलस आ गया, बहुत नींद आ रही, अभी मैं थक गया हूँ, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये संभव नहीं है, ये सत्य है, असत्य है, ऐसा वो बोलते जाएंगे। yes, और वो चलते रहता है, 2400 घंटे चालू रहता है, तो उसके तरफ ख्याल देने का नहीं। yes, अपना काम करना है, काम के ऊपर फोकस करो, और काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।